तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में कपिल जी के साथ वन टू वन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जानते हैं कि वीवीए होता क्या है। वीवीए होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ध्यान रखिए, ये VV6 नहीं है, वीवी स्टूडियो नहीं है, VV.NET नहीं है, क्योंकि इनकी मदद से हम एक नई एप्लीकेशन, एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, लेकिन हम वीवीए के मदद से हम क्या तैयार करते हैं, तो हम माइक्रोज तैयार करते हैं। जी हाँ, वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसमें जो हम टूल्स डेवलप करते हैं वो सिर्फ एक्सेल या एमएस ऑफिस में ही वर्क करता है। इसलिए यहां हमने आपको बोला कि VV.NET, VV स्टूडियो नहीं है। अब यहां पे हम VVA को एक फैक्ट्री मान ले, इससे बनाएंगे क्या क्या? तो बेसिकली इससे बनाएंगे हम माइक्रोज, इससे बनाएंगे हम फंक्शन, और तीसरा यूजर फॉर्म। अब क्या होता है जानते हैं। माइक्रोज, अब माइक्रोज के बारे में ये मत समझिए कि जो हमारे डेवलपर के अंदर में जो रिकॉर्डिंग माइक्रो है दैट इज द माइक्रो। ये रिकॉर्डिंग माइक्रो जो है ये अलग है। कुछ लोगों का सोचना होता है कि जो माइक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा माइक्रोज कहलाता है, जो कोडिंग करते हैं उसको वीवी कहलाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि हम कोडिंग करें या रिकॉर्ड करें बनेगा माइक्रो। माइक्रो क्या है, एक ऑटो पायलट है कि आपके बिहाफ पे वो आपका काम कर देता है। जी हाँ, आपके बिहाफ पे क्या करता है, वो आपका काम कर देता है, जो भी काम करना चाहते हो काम करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 100 फाइलों का डेटा एक फाइल में कंपेयर हो जाए, आप चाहते हैं कि 200 लोगों को अलग अलग फाइल्स मेल चला जाए, या मैं रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एक सिंगल क्लिक पे बन जाए, वगैरह वगैरह, आप इस माइक्रो की मदद से कर सकते हैं। माइक्रोस के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन की मदद से हम बनाते हैं वी लुकअप का, जैसे फॉर्मूला वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच इंडेक्स, ऐसे इनबिल्ट फॉर्मूले हैं। इस इनबिल्ट फॉर्मूले में हम अपना खुद का फॉर्मूला तैयार करते हैं। खुद का फॉर्मूला क्या करते हैं, तैयार करते। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल के अंदर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे फॉर्मूले को जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर हम खुद के फॉर्मूले क्यों बनाए। देखिए, खुद के फॉर्मूले बनाने के पीछे का रीजन ये है कि जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनबिल्ड है, उसके इनपुट और उसके आउटपुट फिक्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे हिसाब का फॉर्मूला बने। जैसे कि वी लुकअप को ही ले लीजिए, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट नहीं करता है, मल्टीपल शीट से डेटा नहीं उठाता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालता है, नहीं लेता है। तो आप अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया जिसमें आपको वी लुकअप से जो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है कपिल जी। ये सर दूसरा जो मेरे को आता है डीपीसी वो आता वीलुकअप है, पता है, मुझे वीलुकअप क्या बोल रहे हैं, का नॉर्मल फॉर्मूला पता है सर, मतलब डीपली नहीं पता है, पूरा हाँ। नहीं पता है, बट नॉर्मल फॉर्मूला पता है वीलुकअप तो का। देखिए, मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं एक्सेल में जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इनबिल्ट बने होने के कारण हमें उसके इनपुट और उसके आउटपुट पे अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है, समझे। अच्छा जी, आपको अपने हिसाब से अपने इनपुट और अपने आउटपुट पे अगर कुछ फॉर्मूला चाहिए तो खुद ब खुद फॉर्मूला वीवी कोडिंग के माध्यम से बना सकते। ठीक है। ठीक है ना। और बोले किस तरह का फॉर्मूला, चलिए एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ कुछ ईमेल आईडी कुछ वेबसाइट लिस्ट मैं इंटरनेट से निकालता हूँ, तो देखिए नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है,
हमने इंटरनेट के माध्यम से कुछ वेबसाइट लिस्ट लिया हो। अब क्या है कि ठीक है वेबसाइट के अंदर इसका यूआरएल इसी के अंदर, ठीक है। अब ठीक मुझे है इसका ठीक है परफेक्ट यूआरएल चाहिए यहां, तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट हाइपरलिंक, देन यहां इसकी जो यूआरएल है उसको निकालेंगे और यहां पे इसको पेज करेंगे, राइट सर। अब ये 10-12 ठीक है तो है चलो 5-10 मिनट लग जाएगा, लेकिन यही आपके पास लाख 2 लाख हुआ तो काफी दिन लग जाएंगे ना सर। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम डेवलपर में विजुअल बेसिक पे आके इंसर्ट मॉड्यूल्स करते हैं और एक फंक्शन, एक फॉर्मूला बनाते हैं यूआरएल के नाम से, और बोलते हैं एन एज ए पेज, और यहां पे करते हैं URL इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक डॉट एड्रेस। अब यहां पे हम URL नाम का फॉर्मूला लगा और नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो इस सिंगल बस एक सर। लाइन की कोड ने क्या किया, हमारा घंटों का हाँ काम हाँ बचा दिया। ठीक है एक सेकंड सर एक मैं यहाँ पे सेकंड कुछ में यहाँ पूछना पे कुछ पूछ चाहूंगा, सकूंगा ये जो छे आपने जो दूसरी आपने वाली दूसरी सीट वाली खोली हुई सीट है, खोली हुई है ये जी, वाली ये नहीं, वाली नहीं दूसरी दूसरी ये वाली ये नहीं, वाली कोडिंग की बात कर रहे हैं, ये वाली, ये ये वाली कहाँ से ये कहाँ खोली, से कैसे खोली खोली, कैसे आपने एक खोली बार है। बताएंगे अब जरा। मैं बताऊंगा मैं तो मुझे समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर, है बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम आपको पॉसिबिलिटी जो है बता रहे, ठीक है। अब यहां पे आपने समझ लिए कि हमारा फंक्शन क्या हो, तो खुद के फॉर्मूले आप अपने हिसाब से खुद के फॉर्मूले आप बना सकते हैं फंक्शन की मदद से, ठीक है ठीक है सर ठीक ठीक है है ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि यूजर फॉर्म क्या है, यूजर फॉर्म एडमिन इंटरफेस, जैसे कब क्लिक कहीं पे करते हैं तो इस तरह का पॉपअप आता है ना, इस तरह का पॉपअप बनाने के लिए यूजर फॉर्म का वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने एक बना रखा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस यूजर फॉर्म में एक फॉर्म खुल रहा हूँ, जैसे फाइल खुलेगा मुझसे मांगेगा आईडी और पासवर्ड, क्या मांगेगा आईडी और आईडी पासवर्ड पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ आईडी पासवर्ड से नीचे देखिए सिर्फ एक वेलकम शील्ड है, क्या है, सिर्फ एक वेलकम वेलकम सर का शील्ड, ठीक है। एक जैसे आईडी पासवर्ड डालूंगा इस पे क्या होगा, यहां पे डालता हूं एडमिन, नीचे डालता हूं एबीसी, जैसे मैं यहां लॉगिन करूंगा तो लॉगिन करते ही वेलकम का मैसेज आएगा, और देखिए यहां पे इतने सारे शीट्स आपके सामने खुले। अब इसमें जो मान लीजिए डेटा एंट्री करना है तो किया पॉपअप, ये जो आया दैट कॉल यूजर, ठीक है सर। ठीक है ठीक है तो इस तरह के जो पॉपअप बनाने का काम करते हैं वो हमारा यूजर फॉर्म का काम है। तो आपने सीखा कि VVFL फैक्ट्री है तो कितने तरह के प्रोडक्ट हुए, 3 तरह के, तो VVFL बेसिकली 3 पार्ट है आपको, ठीक है ठीक है। एक आपका है माइक्रोस जो कि एक ट्रिगर एक ऑटो पायलट का काम करता है, दूसरा हमारा है यहाँ पे फंक्शन जो कि इनबिल्ट फॉर्मूला बनाते हैं जिसका यूज हम एक्सेल में भी करते हैं और वीवीए में भी करते हैं, दोनों केसेस में, ठीक है। ठीक है तीसरा यूजर फॉर्म जो इंटरफेस के लिए, अब क्वेश्चन आता है कि हम वीवीए का इस्तेमाल करें तो कब करें, क्या वैसे कर ले। देखिए वीवीए का इस्तेमाल करने के लिए हम बेसिकली दो सिचुएशन का क्रिएट करते हैं, पहला रिपीटेड वर्क, एक ऐसा काम जो मुझे बार बार करने है, एक ऐसा काम जो मुझे बार बार करने है, उसके लिए ऑटोमेशन में आए। अब कोई ऐसा काम आया जो कि सिर्फ एक बार आया है, पता नहीं फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, अब उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग करने जाऊं तो ये बेवकूफी होगी सर। ठीक जैसे आपको ऑफिस कभी कभी जाना है
उसके लिए आप कार खरीदोगे, ये तो बेवकूफी होगा। क्या सर? ठीक तो ऐसे काम जो कि मुझे रिपीटेड करने हैं, जो हमेशा करने हैं, उस केस में हम वीवी का इस्तेमाल करें। अब बॉस ने बोला है कल का सेल्स अपडेट दे दे, कितना सेल हुआ है, वो जस्ट फिल्टर पिवट टेबल लगा के भी मैं आसानी से 2 मिनट में निकाल के दे सकता हूँ। उसके लिए माइक्रो प्रोग्रामिंग थोड़ी करेंगे सर। दूसरा आता है सिचुएशन, वो आता है लेंथी वर्क। लेंथी वर्क मतलब एक ऐसा काम जो कि मुझे एक ही बार करना है, पर इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर मैनुअल करने जाओ तो काफी दिन लगे। जैसे भी अभी मैंने बताया ना आपको यूआरएल निकालने का, हाँ, उसको राइट क्लिक करके एडिट यूआरएल यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो कुछ काफी दिन लग जाएगा ना सर। तो यहाँ पे हमने आज बड़ी आसानी से कर लिया, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, एक रिपीटेड पर, एक लेंथ। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि हम माइक्रो किसके लिए इस्तेमाल करें। देखिए, एक सजेशन रहता है कि अगर आपने माइक्रो अपने लिए इस्तेमाल करना है, देन गुड, जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आपको माइक्रो किसी और के लिए इस्तेमाल कर बनाना है, तो मैं बोलूँगा ऐसे फाइलों पे माइक्रो बनाना अवॉइड करें जिसके ऊपर जो कि कई सारे जगहों पे ट्रेवल कर रही है, कई सारे लोगों को भेज रहे हैं, ऐसे फाइल पे आप माइक्रो ना बनाए। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइक्रो सिक्योरिटी जो होता है वो यहां से क्या होता है, डिसेबल होता है। अब डिसेबल हो जाने के कारण जब भी कोई फाइल खोलेगा उसको एक पॉपअप देगा माइक्रो अनेबल करने का, सिक्योरिटी वार्निंग के रूप में। अब जो लोग वीवी को जानते हैं उसको तो कर लेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो आपको फोन करेंगे तो भाई आपने गलत किया है, फाइल में प्रॉब्लम है, फाइल करप्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है। इसलिए ऐसे फाइलों पे आप माइक्रो ना लगाए, लगाने से बचे, जब तक तो बेहद जरूरी ना हो तब तक ना लगाए जो फाइल बहुत सारे लोगों पर ट्रेवल। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पे क्वेश्चन उठ के आता है कि और कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग आपकी रिपोर्ट्स को खोलते हैं वेब एक्सेल पे या गूगल सीट पे, वहां पे माइक्रो वर्क नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब आती क्लियर है सर, क्लियर। प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग एक्सेल वीवी। तो आपको वीवी यूज करने से पहले क्या क्या चीजें करनी होंगी। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, तो आप फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, यहां कस्टमाइज रिबन में जाके यहां से डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सिस्टम में डेवलपर टैब आ जाएगा। दूसरा, माइक्रो सिक्योरिटी को यहां से कर ले अनेबल। लेकिन अनेबल करते हैं तो एक ध्यान रखिएगा, अननोन सोर्स से अगर आपको माइक्रो फाइल आती है तो उसको खोलने से अवॉइड होइएगा। कैसे पता चलेगा कि माइक्रो फाइल है? एक्सटेंशन से। जैसे डॉट एक्सएलएस एक्स का फाइल आया, इसमें सिर्फ डेटा रहता है, माइक्रो नहीं रहता है। लेकिन डॉट एक्सएलएस एक्स, डॉट एक्सएलएस एम होगा एक्स की जगह पे, तो इसमें डेटा भी होगा और इसमें माइक्रो भी होगा, मतलब कि कोड भी होगा, तो ध्यान रखिए। लेकिन किसी ने अगर आपको भेजा डॉट एक्सएलएस ए एट इज फाइल, उसमें डेटा नहीं होता है, सिर्फ कोड होता है, तो अननोन सोर्स से अगर ये दोनों फाइल आ रही है तो खोलते समय ध्यान रखिएगा। मैं तो बोलूंगा कि माइक्रो डिसेबल करके फिर खोलिए। तो माइक्रो डिसेबल एनेबल कहां से करेंगे? माइक्रो सिक्योरिटी से। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक दूसरा आता है जो कि बहुत जरूरी है, फाइल को सेव करना। यहां सेव दिख रहा है, इस पे जाएं और फाइल को सेव करें माइक्रो एनेबल वर्क को। देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका ऊपर वाला एक्सेल वर्क होता है,
अब होता है क्या है कि आप जल्दबाजी में फाइल में आ जाते हैं और एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करके सेव कर दो, तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो एक्सेल है वो माइक्रो डिसेबल होके सेव होगा। क्या होता है, माइक्रो डिसेबल होके सेव होगा, जिस कारण से हम क्या है, हमारा माइक्रो लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बहुत से बच्चे फोन करते हैं कि सर मैंने माइक्रो रिकॉर्ड किया, उसको सेव किया, जैसे ही फाइल दोबारा खोला माइक्रो हट गए, तो डीजे क्या था कि माइक्रो को एक्सेल अनेबल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करके एक्सेल माइक्रो वर्कबुक में सेव कर, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। अच्छा इसका ध्यान रखिए, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोडिंग करें तो कहाँ करें, जब भी अभी कोडिंग खोला था वो बेसिक डेवलपर टाइम में ये जो विजुअल बेसिक दिख रहा है इससे खुलता। अब ऐसा नहीं कि इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्सेल के साथ इनबिल्ट होता है, बस माइक्रो अनेबल कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इसका शॉर्टकट आपको सामने दिख रहा है Alt F11, उसको यहां प्रेस कीजिए, प्रेस करते ही देखिए आपको खुल जाए, ठीक है। अब एक बार मैं इसको दोबारा से बंद करके खोलता हूं, तो डेवलपर टैब में जाना है, विजुअल बेसिक पे जाना है, तो कुछ इस तरह की फाइलें खुली। देखिए इसमें जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये आपके नेविगेशन का काम आता है, एक फाइल के अंदर दूसरे फाइल के अंदर जाने में। इसकी प्रॉपर्टी बार होते हैं दो चीज प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए, अगर इसमें नहीं है तो आप यहां दिख रहा होगा आपको शॉर्टकट, इसका प्रेस कर सकते हैं या फिर व्यू से लेके आ सकते हैं, ओके। अब कोडिंग कहाँ करें, हम Sheet 1 पे भी डबल क्लिक करके यहाँ कोड लिख सकते हैं, जो व्हाइट विंडो दिख रहा है इसमें कोड विंडो है, Sheet 2 पे भी लिख सकते हैं, Sheet 3 पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखते हैं। उसके रीजन दो रीजन है कि इसका जो कोड हम लिखेंगे वो Sheet पे प्रॉपर्टी में सेव होगा, कल के डेट में अगर प्रॉपर्टी हमारी डिलीट होती है तो जाहिर सी बात है मेरा Sheet भी डिलीट हो जाएगा, मैं कोडिंग में डिलीट हो जाएगा प्रॉपर्टी के साथ साथ, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, शीट के साथ साथ मेरा कोडिंग भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम जो है यहां पे जब भी कोडिंग करेंगे इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल इसके अंदर कोडिंग करेंगे, ठीक है सर। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि आप जो क्लास कर रहे हैं इस क्लास करने के लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करें, क्या क्या जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है रेगुलर क्लासेस, क्लासेस में ज्यादा छुट्टियां मत कीजिएगा वरना क्या होगा कि मेरी छुट्टी होने के बाद लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गैप ठीक कम है होना ठीक है। चाहिए, हाँ प्रैक्टिस गैप लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने क्लासेस दी दो तीन क्लासेस, आपने बोला कि सर मैं प्रैक्टिस करूँ, तो आपका जो 1 घंटे जो टाइम है 10 बजे का ये फिक्स रख दीजिए एक्सेल के लिए। अगर हो सकता है कि कई सारे दिन मैं क्लास ना लूँ, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं लिया तो आप बैठ के आप यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर दें, शॉर्ट देखना शुरू कर दें और या फिर मोबाइल देखते रहते सो जाए, नहीं, 1 घंटा आप वीडियो को डेडिकेट कर दीजिए। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो ठीक है, क्लास नहीं ले रहा हूँ तो आप पिछली क्लासेस की प्रैक्टिस करें या कुछ रिसर्च करें। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ना सर,
आता है प्रैक्टिस ले टाइम, कि क्लास के बाद आपने कम से कम 1 घंटे की टाइम प्रैक्टिस के लिए निकालना हो। सिर्फ क्लास लेने से आप नहीं सीख जाएंगे, ठीक है ना। मैं आऊंगा बिना आधा प्रैक्टिस घंटा के में कुछ नहीं कल, होगा, इसमें बिल्कुल। ना हाँ हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जी, बिना प्रैक्टिस नहीं हुआ है, आपका वीपी जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स नीड ए प्रैक्टिस। बिल्कुल। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन जो आता, अगला जो जाता है वो आता है हमारा कि एक लर्निंग करनी पड़ेगी। तो आपको मैं एक वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। वेबसाइट का नाम है excel-vva.com, excel-vva.com, ठीक है सर। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, दिख रहा है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली क्लास कर से पहले इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ ले, जितना हो सके। तो ऐसा नहीं कि रात के नींद खराब करें और बैठ के पढ़ें आप, क्योंकि ऑफिस भी नहीं जरूरी है। बिल्कुल, ऑफिस करेंगे तो ये तो हमारा फीस भरेंगे, तो ऑफिस जरूरी है। तो ऑफिस के अलावा भाई उसे तो मतलब कि टाइम निकाल के इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी आपकी एक्सेल पे भी ठीक ठाक कमांड है ही, ठीक है सर। मेरी सर एक्चुअली मतलब ये है कि मेरा जो मेरा डेली जो यूज का डेली काम यूज है का ना सर, काम है वो वो डेटा के ऊपर ही डेटा रहता के है, ऊपर बट क्या, ज्यादा नहीं ज्यादा रहता, नहीं बस रहता प्लस माइनस और ये सब में रहता है, और वी लुकअप थोड़ा बहुत है, प्लस मतलब जो नॉर्मल वी लुकअप है वो खेलता हूँ बस, माइनस और काउंट इफ आता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आता डीपली, बट तो ठीक है आता है थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं, आप मेरे पास एक 5 घंटे की एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ओके वो रिकॉर्डिंग आपको हम प्रोवाइड करा, ठीक ठीक है, है। आप जो उस रिकॉर्डिंग को एक बार देख लें, हो सकता है कि कुछ आप, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग को प्रिपरेशन ऑफ द वीवीए लर्निंग रखा हुआ है, कि वीवीए सीखने से पहले की प्रिपरेशन है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है सर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो हम ये स्टार्ट बेसिक से ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, बेसक तो आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सर। हाँ, मैं समझ, मतलब जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा था सर। हाँ, बेसिक से हर टॉपिक मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, हर टॉपिक को मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक ठीक, है ना। तो ये जो मैंने आप बोल रहे थे ना एक पांच थोड़ा घंटे एक प्रॉब्लम। 5 घंटे की जो तो रिकॉर्डिंग है वो मैंने अभी आपको हाँ व्हाट्सएप की है, उसको एक बार आप देख लीजिए। आपने मुझे ठीक एक तो अच्छा है, साइट अच्छा साइट भेजी है, भेजी है, साइट साइट पे जो पे पढ़ना जो है मुझे, पढ़ना है ठीक मुझे, ठीक है। है। हाँ ठीक है, जी यहाँ पे वीडियो मैंने नहीं आप आई वीडियो थी, भेजी है। हाँ वीडियो भेजिए, अच्छा आ गई हाँ आ आ गई, गई आ ठीक गई। है।